तो दोस्तों RRR मूवी के रिलीज होते ही इतना तो पता चल गया था कि ये मूवी एक दिन बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करेगी। ऐसे राजा मौली के डायरेक्शन में बनी फिल्म RRR को जब थिएटर में देखने के बाद पब्लिक बाहर आई तो उनके फेस पे वो प्राउड मोमेंट साफ साफ झलक रहा था अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। दोस्तों RRR मूवी का हर एक सीन, हर एक डायलॉग, हर एक एक्शन गूज़बम्प से भरा हुआ था। इस फिल्म ने 500-600 नहीं पूरे 1200 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाई कर इतना साबित कर दिया था कि ऐसे मौली वन ऑफ दी बेस्ट डायरेक्टर है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और रातों रात जिसने रामचरण और जूनियर NTR की किस्मत बदल दी थी। तो दोस्तों जितनी ग्रैंड लेवल की ये फिल्म है उतना ही लाजवाब इस फिल्म का म्यूजिक है। इस फिल्म के हर एक सॉन्ग एक अलग ही लेवल की वाइब क्रिएट करते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले जब ये न्यूज आई थी RRR फिल्म से नाटू नाटू सॉन्ग बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नॉमिनेट किया गया है तो कुछ ऑडियंस को ये लग रहा था कि ये शायद नॉमिनेशन तक ही रह जाएगी। लेकिन मेजोरिटी ऑडियंस को पता था कि ये फिल्म जरूर ऑस्कर जीत के आएगी और ऐसा ही हुआ। फाइनली नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीत चुका है। तो दोस्तों ये अवार्ड मिला है हमारे MM सर और चंद्र बोस सर को जिन्होंने नाटू नाटू द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग को बनाया था। जितनी अच्छी कोरियोग्राफी इस गाने की थी उसमें डांस परफॉर्मेंस रामचरण और जूनियर NTR की थी उतना ही बेस्ट ये गाना था दोस्तों। तो बताइए ऐसे गाने को ऑस्कर क्यों नहीं मिलता। तो बाहुबली मूवी देखने के बाद ये पता चल गया था कि ऐसे राजामौली एक दिन हमारी इंडिया का नाम जरूर रोशन करेंगे क्योंकि उनकी फिल्म मेकिंग का स्टाइल एक अलग ही लेवल का होता है। और आखिरकार RRR के जरिए वो ऑस्कर भी इंडिया के लिए ले ही आए। दोस्तों अगर आपको भी ये न्यूज पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।